तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन का चैप्टर वन, यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर वन, आवर एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड ह्यूमन। ठीक है, क्लास सिक्स में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है, क्लास सेवन में भी अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि मौज तरीके से पढ़ेंगे एकदम पूरा इंजॉय लेके। सबसे पहला टॉपिक आता है क्लास चैप्टर वन का, क्लास सिक्स का चैप्टर वन ज्योग्राफी का, व्हाट इज एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट है क्या। एनवायरनमेंट का हिंदी क्या होता है? वातावरण, यानी कि वातावरण क्या है। ऐसी बात तो सबको पता होगा। सिंपली देखा जाए तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे आसपास की चीज़ें, ठीक है, या सिचुएशन या कंडीशन जो आसपास घटित हो रही होती हैं। जैसे आपके आसपास क्या होंगे, धूप हो रहा होगा या बारिश आ रही होगी या ठंड पड़ रहा होगा, यही तो होगा। यही चीज़ को तो एनवायरनमेंट कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा है सिंपल सिंपल, लिटरेरी एनवायरनमेंट मीन सराउंडिंग, यानी कि आसपास की चीज़ें या कंडीशन या सिचुएशन जिसमें पर्सन क्या रहता है, एग्जिस्ट करता है, यानी कि रहता है और डेवलप करता है अपने लक्षणों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट रिफर ऑल दोज कंडीशन विच हेल्प द ग्रोथ। कह रहा है कि प्लांट्स का ऐसा कंडीशन जिसके वजह से वो ग्रोथ कर पाता हो, तो उसका एनवायरनमेंट हो गया। हमारे एनवायरनमेंट क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मॉइस्चर होता है, धूप वगैरह सब होता है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट है। उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं कि वातावरण कहते हैं। ठीक है, हर जगह का वातावरण अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हर जगह का, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह पर क्या रहता है, अलग अलग रहता है। कह रहा है कि जैसे ग्रोथिंग का लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो राइस के लिए, यानी कि जब चावल हम बोलते हैं, धान जब बोते हैं, तो उसका वातावरण अलग होता है किससे, गेहूं से। गेहूं क्या होता है, ठंडे सीजन में होता है, यानी कि दिसंबर वगैरह में होता है, मतलब होता है। और राइस क्या होता है, गर्मी के सीजन में होता है, मतलब उसको ज़्यादा गर्मी चाहिए होता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब हर जगह का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अलग अलग जगह वातावरण होता है। जैसे क्या कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वही हमारी तरफ यूपी वगैरह में गर्मी पड़ती है। तो ये मतलब क्या इन्वायरमेंट है, मतलब जहाँ पर अलग अलग इन्वायरमेंट हो रहा है। और भी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कह रहा है कि कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, वही मतलब जैसे एग्जांपल दिया कि कश्मीर में क्या होता है, ठंडा पड़ रहा है और यहाँ पे गर्मी हो रही है। लाइक वाइज सर्टेन प्लेस नॉर्मल कंडीशन वेरी फेवरेबल द फॉर ह्यूमन ग्रोथ इन मेडिटेरियन एंड मानसून सीजन। कह रहा है कि ऐसे रीजन या ऐसी जगह जहाँ पर मतलब जहाँ ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, तो वो जगह जो रीजन होता है काफ़ी अच्छा रीजन होता है, माना जाता है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्वायरमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट वो जगह होती है, हमारे आसपास का वो सराउंडिंग होता है, कंडीशन होता है, जहाँ पे पर्सन रहता है, ठीक है, और वो फलता फूलता है, यानी कि उसका ग्रोथ होता है। दे आर नॉट सो फेवरेबल इन डेजर्ट एरिया, टुंडर एरिया, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहना ही नहीं चाहते या मतलब रह ही नहीं सकते, जैसे कि रेगिस्तान हो गया, यानी कि डिजर्ट, जैसे भारत का है ना राजस्थान में डिजर्ट, तो एरिया कैसा है, एक तरह का उसका वातावरण बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पर इंसान ज़्यादा नहीं रह सकते, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन भी क्या है, कम है। लेकिन जो उसका मेन एरिया है, यहाँ पर मतलब पेड़ वगैरह है, पानी वगैरह है, वहाँ पर लोग रहते हैं, और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है वो दो भागों में डिवाइड है, यानी कि एक नेचुरल के लिए, यानी कि नेचर के लिए, और दूसरा ह्यूमन के लिए, यानी कि इंसानों के लिए। तो पहला देखते हैं कि नेचर के इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन का देखेंगे। तो पहले नेचुरल देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि जितने भी हमको गिफ्ट मिलते हैं, गिफ्ट यानी कि जो नेचर हमें गिफ्ट देता है, क्या गिफ्ट देता है, जमीन देता है, पानी देता है, हवा देता है, प्लांट देता है, एनिमल्स देते हैं, फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सारे क्या है, हिस्से हैं। किसका हिस्से हैं, एनवायरनमेंट के, यानी कि वातावरण के हिस्से हैं, जो कि नेचर हमें गिफ्ट के तौर पर देता है। गिफ्ट ही तो दे रहा है, वो चाहेगा तो नहीं देगा, पूरा ब्रह्मांड यानी कि खत्म हो जाएगा चुटकी बजाते ही। तो एनवायरनमेंट ये जो हमें सब कुछ एक तरह के गिफ्ट के तौर पर देता है, उसमें बायोटिक भी रहते हैं, अबायोटिक भी रहते हैं। बायोटिक क्या होते हैं, जो जीवित प्राणी हैं, और उस अबायोटिक मतलब कि जो अबायोटिक प्राणी हैं, जैसे कि लैंड क्या है, लैंड क्या है, अबायोटिक है, ठीक है। तो और प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, बायोटिक चीज़ें हैं। तो वही कह रहा है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमें एक गिफ्ट के तौर पर मिला है, जिसमें बायोटिक भी चीज़ें होती हैं और अबायोटिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि कुछ और एग्जांपल दिए हैं अबायोटिक के, जैसे कि वाटर, एयर, रॉक्स, मेटल, क्या हो गया, सारे अबायोटिक चीज़ें हैं। अबायोटिक चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एक तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट है जो हमें मिलता है। बहुत टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर क्वाइट नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। कह रहा है दोनों, यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, वो दोनों जरूरी हैं किसके लिए, हमारे इंसान के लिए, मतलब कि हम लोगों के लिए और जानवरों के लिए भी। इस तरीके से एनवायरनमेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि एनवायरनमेंट को क्लीन और शुद्ध रखा करिए, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अभी और जानने के लिए हम क्लास सिक्स में पढ़े थे एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसमें लिथोस्फेयर पढ़े थे, हाइड्रोस्फेयर पढ़े थे और बायोस्फेयर पढ़े थे। इसमें भी हो सकता है पढ़े, अगर टॉपिक दिया हुआ तो जरूर पढ़ेंगे, दिया है शायद। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्लास सिक्स में इंट्रोडक्शन था। एटमॉस्फेयर का होता है जिसमें सारे गैसेस रहती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लिथोस्फेयर का रहता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यानी कि जहाँ पर जमीन रहती है, जितना भी जमीन एरिया है, जिससे कहते हैं ना पूरी पृथ्वी पर लगभग 30% जमीन और 70% पानी है, तो 30% एरिया को क्या बोलेंगे,
पूरा एटमॉस्फेयर बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे इंसान रहते हैं यानी कि जिस सरफेस पे इंसान और जानवर प्लांट्स रहते हैं उसको लिथोस्फेयर बोला जाता है। लिथ मतलब होता है पत्थर या जमीन, तो जो जमीन पे इंसान रहते हैं उसको लिथोस्फेयर बोला जाता है। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, मैंने क्लासिक्स में बताया था, जो क्लासिक्स का वीडियो देखा होगा उसको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि उसको आसानी हो रही होगी, दोबारा उसको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, एक तरह से रिविजन हो रहा है। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जो कि पानी में रहते हैं, यानी कि हाइड्रोस्फीयर यानी कि मछलियाँ वगैरह, ठीक है। बायोस्फीयर यानी कि जो बायो में रहते हैं, यानी कि जो स्पेस में रहते हैं, यानी कि चिड़िया वगैरह, तो ये सब एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। अब आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, इंसानों का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ह्यूमन का इंसानों का एनवायरनमेंट क्या है, उनका समाज है, ठीक है, उस समाज के बीच में रहते हैं, मतलब कि लोगों के बीच में रहते हैं, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, वही तो करते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू हिंदू को धर्म पालेंगे, मुस्लिम मुस्लिम को फॉलो करेंगे। इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि इंसानों का यही एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो अपने फैमिली के बीच में रहते हैं, यानी अपने कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी यानी कि इंसानों के बीच में रहते हैं, सब नहीं ऐसा था नहीं कि इंसान जो है जानवरों के बीच में रहेगा, भाई अपने ही फैमिली के बीच में रहेगा ना, तो उनका क्या उनका उनका एनवायरनमेंट है, ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटी मतलब कि अपना जो धर्म है उसको बिजी रहेगा उस धर्म को करने में, यानी कर्म को करेगा, अपने धर्म को करेगा, कर्म यानी कि अपने काम को करेगा, लड़का है तो पढ़ेगा, यंग है तो अपने जॉब को टाइम देगा, ठीक है, वाइफ है तो घर की काम करेंगी, तो वही उनका क्या होता है एक तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट बन जाता है। पढ़ाई पर ध्यान देंगे, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करेंगे, विलेज टाउन सिटीज बिल्डिंग एंड रोड्स, और आल्सो इज पॉलिटिकल एक्टिविटी फॉर्म एन इंपॉर्टेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब जो भी चीज़ें हम लोग इंसान करते हैं, अगर एग्जाम में आता है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, तो आपका जो भी एनवायरनमेंट होगा वो बस एग्जाम में लिख के आ जाएगा, पॉइंट में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए आपको लिखना पड़ेगा लैंड वाटर एयर प्लांट्स और गिफ्ट, क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें दो टर्म आता है, बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक मतलब कि जीवित प्राणी और अबायोटिक की नॉन लिविंग थिंग्स, और दोनों क्या है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, बस यही लिखना है। तो था हमारा ह्यूमन और एनवायरनमेंट, यानी कि इंसानों का और प्राकृतिक रूप से वातावरण का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दोनों यानी कि नेचुरल भी और ह्यूमन एनवायरनमेंट भी दोनों क्या जरूरी है एक दूसरे के लिए, और दोनों अगर कोई भी एक चीज़ गायब हो जाता है तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि बोझ यानी कि बोथ दीज नेचुरल एंड ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विच अदर, एक दूसरे देखा जाए तो नेचुरल तरीके से बात करते हैं, भले ही मतलब बात नहीं हो पाता, मतलब मुझवानी बात नहीं हो पाता, लेकिन एक अलग लेवल पे यानी कि सोल लेवल पे यानी कि आत्मा लेवल पे पेड़ और इंसान दोनों क्या है कनेक्टेड है दूसरे से, ठीक है। अगर इंसान नहीं रहेंगे तो पेड़ भी नहीं रह पाएंगे, क्यों, क्योंकि इंसानों से ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जिसकी वजह से पेड़ जिंदा रहते हैं और पेड़ों की वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो यही कह रहा है कि दोनों क्या है जरूरी है, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट भी जरूरी है और ह्यूमन एनवायरनमेंट भी जरूरी है, दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो इंसान क्या करते हैं बस अपना ख्याल रखते हैं, बट दिस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर स्टैटिक, दोनों क्या स्टैटिक है मतलब कि बैलेंस्ड है। अब आते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, वही चीज़ जो अभी मैंने समझाया है वही यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है, जैसे देखते हैं कह रहा है अ प्रॉपर इंटरेक्शन ऑफ और बैलेंस, बैलेंस यानी कि एक फिक्स्ड बैलेंस होना चाहिए, मतलब जितना एफर्ट प्लांट दे रहे हैं उतना एफर्ट हमको भी देना पड़ेगा, एफर्ट यानी कि रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट यानी कि काम करना पड़ेगा प्लांट्स के लिए, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इज क्वाइट नेसेसरी फॉर फंडामेंटल ऑफ फेवरेबल कंडीशन ऑफ द सर्वाइवल मैन, यानी कि दोनों के लिए जरूरी है। अभी मैंने बताया ना कि इंसानों के लिए भी पेड़ जरूरी है और पेड़ों के लिए इंसान जरूरी है, इसीलिए दोनों को इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि वातावरण बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो प्लांट तो यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो तो अपना काम करती है, ठीक है, ग्रो होती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन इंसान क्या करते हैं वो काम नहीं कर पाते, यानी कि और ज़्यादा पौधा नहीं लगा पाते हैं, बल्कि वो उल्टा काटते हैं अपने, देखा जाए तो वो अपने आप को ही मार रहे हैं, ठीक है। कैसे मार रहे हैं, अपने आने वाले फ्यूचर संतानों को यानी कि अपने लड़के को, लड़के के लड़के, लड़के के लड़के को, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं एक तरह से नर्क में ढकेल रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, अभी मैंने एक हिस्ट्री में चैप्टर वन में बताया है कि कैसे बस 19% जमीन 19% बस पेड़ बचा है और 80% लोग बचे हैं। जैसे पृथ्वी पे जैसे इंडिया मान लें, तो इंडिया में अगर 100 लोग रहते हैं, मान लेके चलते हैं 100 लोग रहते हैं, 100 में से 80 लोग हैं और 20% क्या है यानी कि 20 लोग क्या है पेड़ हैं, जैसे कि मान लेते हैं 80 लोग हैं, ठीक है, 20 पेड़ हैं और 80 लोगों को क्या ना जिंदा रहना, तो क्या करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे भाई, एक पेड़ कितना ऑक्सीजन देगा एक लोग को, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कमी की कमी होगी, इसी वजह से गर्मी क्या और हर साल बढ़ता चला जा रहा है, इसी की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बैलेंस करने का करना होगा, यानी कि आपको कोशिश करना होगा बैलेंस हो सके नेचर, जैसे यहाँ पर दिया इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स इंपैक्ट, यानी कि क्यों हमारे लिए नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो जरूरी है, क्यों जरूरी है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारी लाइफ पे, जो कि बढ़ रहा है, गर्मी हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहा है इंसान।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये क्यों जरूरी है, कह रहा है कि हम जो पढ़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इंसान इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल नेचुरल इन्वायरमेंट को, इन्फ्लुएंस यानी कि बढ़ावा देते हैं, कैसे हेल्प करते हैं उस नेचुरल इन्वायरमेंट को। बस इंसान ही नहीं, जानवर भी क्या करते हैं और प्लांट्स भी इस मतलब प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जैसे ये क्या एक तरह का फेस्टिवल ही तो है बैलेंस रखना हमारे नेचर को। तो वही कह रहा है कि प्लांट्स और साथ ही एनिमल्स और साथ ही इंसान भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस बैलेंस को यानी कि इस इन्वायरमेंट को क्या रखा जा सके, बैलेंस रखा जा सके, ताकि ये जो भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, वी वेरी फ्यू पीपल वांट टू लिव इन डिजर्ट, जाहिर सी बात मैंने भी बताया कि बहुत कम लोग चाहते हैं कि वो लोग रेगिस्तान में रहें। भाई रेगिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए, तो भाई क्यों वहाँ लोग रहना चाहेंगे। तो भाई कह रहा है कि बहुत कम लोग रहना चाहते हैं रेगिस्तान में, सब लोग क्या रहना चाहते हैं, एक अच्छी जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पर हरा भरा घास हो, ठीक है, साफ सुथरा हवा हो। तो कहाँ से होगा, जब इंसान पेड़ पौधे लगाएंगे तभी तो ये होगा, बस वो काटते चले जा रहे हैं जंगल को, तो कहाँ से ये सब होगा। बिकॉज देयर द एनवायरमेंट इज़ वेरी हार्श, मतलब वो लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें क्या हो, ठीक मात्रा में हो, ठीक है, ऑक्सीजन भी हो, पेड़ भी हो, पानी भी हो, और चीज़ें हो। सिर्फ सम पीपल डू नॉट ट्राई टू लिव इन सच एरिया बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, बिकॉज आइदर टू हॉट टू कोल्ड, कह रहे हैं लोग वहाँ पर रहना ही पसंद करते हैं। कहाँ पर, यानी कि रेगिस्तान पर या ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लोग यहाँ पर रहना नहीं पसंद करेंगे। क्यों नहीं पसंद करेंगे भाई, बहुत ज़्यादा ठंड होगा, दिक्कतें होंगी, हाँ एकदम बीमार रहेंगे, ठंड लगेगा, मतलब दिक्कत तो होगी रहने में ना, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तभी दिक्कत है ना, पसीना होता रहेगा। तो लोग उन जगहों पे नहीं रहना चाहते हैं। क्यों नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत होगा, उनको प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमको पेड़ लगाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा पेड़ लगा सके उतना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पेड़ों की संख्या बहुत ही तेज़ी से घट रही है, बहुत तेज़ी से, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसी की वजह से जो मतलब जो गांव वगैरह है या जो ऐसे एरिया जहां पर पेड़ वगैरह जाते हैं, वहां पर देख रहे होंगे आप लोग कि वहां पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहां पर साफ सुथरा पानी मिल रहा है, साफ सुथरा हवा मिल रहा है जीने वगैरह के लिए। इसलिए कह रहा है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंस यानी कि ज़रूरी होता है और हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है, यानी कि प्रभाव डालता है। इसलिए हमको इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इस नेचर से, यानी कि जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए, जैसे एक इंसान को दो पेड़ की ज़रूरत होती है या मैक्सिमम डेढ़ पेड़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इंसान के लगभग एक दिन में 6 से 7 किलो ऑक्सीजन मतलब ऑब्जर्व करता है, और पेड़ क्या करता है 8 से 9 किलो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसी वजह से कम एक इंसान के लिए डेढ़ पेड़ होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको मतलब अच्छे से जीना है और अच्छे से लोगों को मतलब बिहेव करना है, अच्छे से रहना है, तो कम से कम हर इंसान को दो पेड़ लगानी चाहिए, मिनिमम दो पेड़ लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब आपको ये कदम उठाना पड़ेगा खुद ही। फिर वही चीज़ कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ देखें कि लोग वहीं पर आना पसंद करेंगे जहाँ पर क्या हो, लैंड फर्टाइल हो, मतलब ज़्यादातर खेती हो, ठीक है, क्लाइमेट प्लीजेंट हो, यानी कि जो मौसम हो वहाँ का काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो। सुहावना कब होगा, मतलब अच्छे तरह ऑक्सीजन मिले, पानी मिले, बारिश हो, ठीक है, इस तरीके से। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि वहाँ का जो एरिया वगैरह हो काफ़ी डेवलप हो, मतलब बिजली वगैरह हो, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन आर एविडेंट, यानी कि किसी भी चीज़ कहीं भी बात करना हो, किसी भी कॉल पे, फ़ोन पे अच्छी तरह से हो जाए, तो वहीं तो लोग रहना पसंद करेंगे जहाँ पर वहाँ का नेचर क्या हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, भाई वही रहना पसंद करेंगे। तो रहने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा उस नेचर को, यानी कि उस इन्वायरमेंट को बनाना पड़ेगा, बना हुआ नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये कह रहा है नेचर का इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए अगला टॉपिक वही आ गया कि हमें अपने इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है अपने वातावरण को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप ही सोचिए। अभी मैंने जितना भी चीज़ बताया उसी को बस लिखना है पॉइंट में, अपनी भाषा में बस लिख दीजिएगा। एग्जाम में आ गया तो पॉइंट में बस आंसर लिखेगा। मैंने बार बताता हूँ SST का पूरा आंसर, यानी कि सोशल साइंस का पूरा आंसर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस में भी, मतलब हर सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो होता है ना कहानी के तौर पर होता है, तो कहानी को आप पॉइंट में लिखेंगे ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर गया तो 5 पॉइंट, 2 नंबर गया तो 2 पॉइंट, ठीक है। तो वही कह रहा है क्यों जरूरी है हमारे इन्वायरमेंट को बचाना, अभी मैंने पढ़ाया, थोड़ा और देख लेते हैं। कह रहा है इन्वायरमेंट हमारे लिए ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, ये हमें प्रोवाइड कराता है, मैंने प्रोवाइड यानी कि देता है, क्या देता है, ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि सांस लेने के लिए हवा देता है, ठीक है, पीने के लिए पानी देता है, खाने के लिए खाना देता है, ठीक है, और रहने के लिए ज़मीन भी देता है। सोचो नेचर हमको इतना कुछ दे रहा था, हमको भी नेचर को देना चाहिए ना, उसको भी मतलब ज़्यादातर पौधे भी देना चाहिए, ज़्यादातर प्लांट लगाने चाहिए। नॉट ओनली दिस, यानी कि यहीं तक नहीं, बल्कि वो और क्या, और भी चीज़ें देता है, जैसे प्लांट देता है, लकड़ी देता है, तेल वगैरह देता है, ठीक है, मिनरल्स देते हैं, एनर्जी वगैरह देते हैं, कौन, सारे प्लांट्स ही तो दे रहे हैं, इन्वायरमेंट ही तो हमको दे रहा है गिफ्ट के तौर पे, और हम लोग उसका भरपूर मात्रा में इंजॉय कर रहे हैं, और बदले में क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं, ऊपर से नुकसान पहुँचा रहे हैं इन्वायरमेंट को। ऑल आवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डिपेंड ऑन अपन रॉ मटेरियल प्रोवाइड बाई द रिसोर्स। कह रहे हैं जितने भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पेन हो गया, चाहे पन्ना हो गया, चाहे आप जो कपड़ा पहने हैं, जिस मोबाइल को चला रहे हैं, जिस मोबाइल को देख रहे हैं, सारा चीज़ कहाँ से आया, नेचुरल से ही तो आया है, मतलब रॉ मटेरियल उसका कहाँ पर है, रॉ मटेरियल मतलब जिससे वो बना होता है, नेचर से ही आया है। तो नेचर हमको इतना कुछ दे रहा है, तो हमको भी नेचर को देना चाहिए, ठीक है।
यानी कि पेड़ लगाने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट वही कह रहा है कि हमें भी उसी तरह से क्या होना चाहिए, उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, जैसे वो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है वैसे ही हमको उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना, हमको उसको एक्सप्लॉयटेड नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको तबाह नहीं करना चाहिए। किसको नहीं तबाह करना चाहिए? हमारे वातावरण को, यानी कि हमारे जंगलों को, ठीक है, हमारे और क्या है, इंटेंशनल यूज़ ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट पेस्चर फॉर्म्स। कह रहा है कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको इतनी मात्रा में यूज़ करें कि जितना भी हमको ज़रूरत हो, जैसे अगर हमको 2 किलो चावल की ज़रूरत हो तो हमको 2 किलो चावल ही बनाएं, ठीक है, बेफालतू की चीज़ें ना बनाएं, यानी कि जो हम खाना बना रहे हैं घर में उसको वेस्ट ना करें, उसको फेंके ना, या जो भी हम लोग पानी पीते हैं उसको, पानी को देखो कभी भी पानी ख़राब नहीं होता है, पानी कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा जीवन काल में। साइंस से कहता है, साइंस प्रूव है कि पानी कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, ठीक है, तो पानी कभी भी अपने बॉटल में बसता है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, या तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, गर्मी का मौसम है तो ठंडा हो जाएगा उसको पी लीजिए, अगर ठंडा है तो बाहर रख दीजिए गर्म हो जाएगा उसको पी लीजिए, ठीक है। इस तरीके से पानी भी सेव करना चाहिए, और साथ ही साथ जो पेड़ वगैरह हैं उसको आपको लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सके और हमको फ़ायदा मिल सके। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो आने वाला जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन जो है वो, उसको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, यानी कि जो आपके लड़के के लड़के के लड़के आने वाले हैं, ठीक है भाई, शादी तो होगा ही आपका, अभी खुशमत होइए, मतलब जो भी आपका मतलब पूर्वज मतलब फ्यूचर वर्जन आएगा आपका, वो क्या होगा, इन सब चीज़ों से गुजरेगा अगर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ोर्ट नहीं लगाएंगे, यानी कि इन सब चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो आने वाले जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। वो लोग खुद हम लोग को क्या करेंगे, एक तरह से गाली ही देंगे कि जो हमारे जो एसिडेंट लोग थे वो सारी चीज़ों को बर्बाद करके चले गए हैं। भाई जाहिर सी बात है, कहेंगे ही कि हम लोग वही कर रहे हैं जो लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी नेचर हमें दे रहा है उसको भी हम लोग दे सकते हैं, मतलब अच्छे से पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, क्लीन कर, पानी को सेव कर सकते हैं, ठीक है, खाना वेस्ट ना करें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, हाउ डू द एनिमल्स इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, यानी कि जो जानवर होते हैं वो कैसे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वो कैसे एनवायरनमेंट को बचाते हैं और उनको सेफ रखते हैं, देखते हैं। एज ऑलरेडी सेड, ह्यूमंस इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट इन अ नंबर वे। कह रहा है जो ह्यूमंस है, यानी कि जो इंसान है, वो तो तरीके से कई सारे तरीके से एनवायरनमेंट को बचाते ही हैं, ठीक है, कैसे बचाते हैं देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट कि ये इंसान ही होते हैं इन्फ्लुएंस, यानी कि मतलब नुकसान भी पहुंचाते हैं और फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। तो पहला नुकसान देख रहे हैं, कह रहा है वो इंसान ही होते हैं जो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं। वही कह रहा है, इफ़ दे गो ऑन कटिंग जंगल्स, यदि आप जंगल काटते हैं तो जो ट्री वगैरह होंगी वो क्या होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जिससे से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसकी वजह से गर्मी बढ़ती चली जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले 1000 सालों में पूरा का पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री पे, यानी कि 100 डिग्री पे पानी उबलना शुरू होता है, और अभी का टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री, ठीक है, यानी कि 20 साल में लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर कह सकते हैं, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, तो आने वाले 1000 सालों में तो 100 तक पहुंच ही जाएगा, जिस वजह से बढ़ रहा है। भाई पेड़ ही नहीं बचे हैं पृथ्वी पे, इतने कम पेड़ हैं, मैंने कहा ना कि 80% लोग हैं और 20% बस पेड़ बचे हैं, तो जो कहाँ से वो लोग ऑक्सीजन देंगे, तो इसीलिए बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अभी तो हम उसका नुकसान देख रहे हैं, कैसे इंसान नुकसान पहुँचा रहे हैं, यानी कि पेड़ कट करके, पेड़ों को काट करके उनको नुकसान पहुँचा दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि जिस तरह से हम अपने मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, मिनरल्स यानी कि जो भी वाटर वगैरह जो दे रहा है हमको नेचर, जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही बेकार तरीके से यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बेफालतू कम यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तब भी उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी की जरूरत है, उतना में हम चाहें तो अच्छे से नहा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, 3-4 बाल्टी पानी वेस्ट करते हैं नहाने के चक्कर में। तो वही कह रहा है, जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही जल्द क्या होगा, ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। आवर कमिंग जनरेशन वुड बी डिप्राइड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ आवर सेल्फीनेस। कह रहा है जो हमारे आने वाला जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो क्या होगा, इन सब चीज़ों को जा ही नहीं पाएगा कि सब चीज़ें क्या क्या थी, उन सब चीज़ों को वो लोग मिस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा उनको भुगतना पड़ेगा हमारी वजह से। हम लोग तो इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय क्या कर रहे हैं, एक तरह से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले फ्यूचर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं हमारे सेल्फिनेस वजह से, यानी कि हमारे स्वार्थीपन की वजह से, कि हम लोग स्वार्थी बहुत ज़्यादा हो गए, यानी कि पेड़ों को काट देना है, लगाए कुछ नहीं रहा, ठीक है, इस तरीके से मतलब मेजर दिक्कतें हो रही हैं इन्वायरमेंट को हमारी वजह से। अब आता है मेजर स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के अलग अलग स्फीयर क्या हैं, स्फीयर यानी कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, एट्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, मैंने पढ़ा है क्लासिक्स में, यहाँ भी मैं पढ़ा देता हूँ, फिर भी बता देना। एटमॉस्फेयर वो जगह होती है जहाँ पर क्या सारे लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि हर एक स्फीयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि सारी चीज़ों को मिला के एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फीयर यहाँ से होता है लिथ, मतलब होता है पत्थर, अगर आप लोग गूगल खोलेंगे या डिक्शनरी रखे होंगे जब उसके सर्च करेंगे LITH मतलब क्या होता है तो पत्थर दिखाएगा, पत्थर यानी कि जमीन, एक तरह से जमीन पे जितने भी सर्फेस यानी कि अर्थ के सर्फेस पे जितने भी प्राणी रहते हैं, पानी वाले पार्ट में नहीं, सर्फेस पे यानी कि लैंड पे, मतलब पत्थर मतलब क्या होता है, लैंड ही तो होगा एक तरह से, जहाँ पर जमीन है
उसको हम लिथोस्फेयर बोलेंगे, यानी कि जितने भी एनिमल प्लांट्स और क्या बोलते हैं ह्यूमन बींग्स रहते हैं उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब समुद्र एक तरह से, जितने भी ओशियन हैं जितने भी समुद्र हैं उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर चिड़िया वगैरह उड़ती रहती हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। अब इसको देखते हैं थोड़ा डिटेलिंग में। तो पहला टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये जो पृथ्वी का अपर लेयर होता है मतलब जहाँ पर सारी गैसेस मिक्सर इन्वॉल्व होती हैं उन्हीं को एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन बनता है, द एयर इन्वॉल्व दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पृथ्वी को घेरा हुआ है उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें कई सारे गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये सारी गैसेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। लाइट इट बियॉन्ड 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ये जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी के सरफेस लेकर 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, इसी में सारा लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर सारा गैसेस आती हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि जो पृथ्वी का इन्वॉल्व है, एयर इन्वॉल्व है, इसमें कई सारे गैसेस क्या इन्वॉल्व हैं, सबसे ज्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद अदर गैसेस हैं। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेस, मतलब कौन सा गैस कितने मात्रा में है। तो मैं बताया ना अभी सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है 78% में। तो याद रखिएगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें कई सारे गैसेस हैं ना, और ये कितना किलोमीटर तक फैला है, जिसे हमारा मान लेते हैं सन है, ठीक है, सन सॉरी ये हमारा अर्थ है और इसका सरफेस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो कितनी है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना एरिया में क्या फैला हुआ है, हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो उसमें कई सारे गैसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा जो गैस होगा नाइट्रोजन 78%। तो एग्जाम में आता है आपके एमसीक्यू में आएगा, वन वर्ड में या एमसीक्यू में या फिर डबल एक्स में ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि 78% गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन है, यानी कि 21% ऑक्सीजन है, बाकी जो गैसेस बचती हैं वो आर्गन वगैरह होती हैं। तो उसमें भी दे दिया है जैसे कि 0.9% आर्गन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.33%, और ये बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है धीरे धीरे। बिसाइड दिस गैसेज दिस फाउंड वाटर वेपर, यानी कि इसमें वाटर वेपर भी हैं, धूल भी है, ठीक है। स्मोक यानी कि जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उसका भी गैस है, पॉलन ग्रेन है, साल्ट है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है इन द लोअर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब इन सारी गैसेस मौजूद हैं। मेन आपसे क्या पूछेगा, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीन गैसेज हैं जो आपसे मात्रा में पूछा कि ये कितनी मात्रा में मौजूद है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, जाहिर सी बात है क्यों सांस लेने के लिए जरूरी है, फिर भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे कि पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो एक चद्दर की तरह काम करता है, ब्लैंकेट यानी कि चद्दर है। तो वही कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा पृथ्वी का वो एक चद्दर की काम करता है पृथ्वी के लिए। अगर ये चद्दर नहीं रहेगा यानी कि ये एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो जो रेडिएशन है सब सूरज की वो सीधे अर्थ पे गिरेंगी और जिसकी वजह से हमको तुरंत मौत नसीब होगा। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर ना रहे हमारी पृथ्वी पे तो जो सोलर रेडिएशन आता है ना, जो सूरज की रेडिएशन निकलता है उसमें से, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, गामा रेज, बहुत सारा रेज होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है हमको, हमारे अंदर छेद कर देगा तुरंत अगर वो गिर गया पृथ्वी पे तो, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी हम लोग मर जाएंगे, दिन के अंदर ही मर जाएंगे। तो इसीलिए जो है इस तरह का ब्लैंकेट यानी कि एक तरह का चद्दर का काम करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। यह पहला पॉइंट, ठीक, कह रहे जो एटमॉस्फेयर है उसके लोअर सरफेस में यानी कि अर्थ के जो सरफेस जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर कई सारे वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर यानी कि पानी के भाप जो होता है, भाप होता है ना, भाप, उसी को वाटर वेपर कहते हैं। तो वो मौजूद होता है एटमॉस्फेयर के सबसे लोअर वाले पार्ट में, सबसे नीचे वाले पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, लोअर लेयर में होती है एटमॉस्फेयर के, जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को जो पृथ्वी से निकलता है, और इस पृथ्वी को क्या रखती है, रात में गर्म रखती है ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा ना पड़े। बाकी जो और प्लैनेट्स हैं जैसे मून वगैरह हैं या यूरेनस है, ये बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर यहाँ पर जाते हैं आप तुरंत जम जाएंगे। तो इसकी वजह से पृथ्वी भी क्या है, थोड़ा सूरज से दूर है, तो दूर होने की वजह से यहाँ पर ठंडी पड़ सकती है। इसी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना वो एक बैलेंस में रहे तो हम लोग बच सकते हैं, लेकिन वही बढ़ गया तो गर्मी से मर जाएंगे और घट गया तो ठंडे से मर जाएंगे। इस तरीके से हमको बैलेंस करना पड़ता है। तो जो कि क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है यानी कि दिक्कत होने वाली है हम लोग को आने वाले फ्यूचर में। तो यही कह रहा है कि वाटर पेपर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करके रखते हैं और पृथ्वी को गर्म रखते हैं। हैड देयर बीन नो एटमॉस्फेयर, यदि एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगा, बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा, यानी कि जो दिन और रात होगा वो इतनी बुरी तरह से ठंड लगेगी कि इंसान क्या होगा, जम के मर जाएंगे। तो वही कह रहा है, इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द डे एंड नाइट वुड हैव बीन मच ग्रेटर, इतना बढ़ जाएगा कि लोग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जम के ही। द सन रेज हीट द एटमॉस्फेयर डिफरेंटली एंड सच एज दे क्रिएट सर्कुलेशन इन द एटमॉस्फेयर विच लीड टू विंड एंड रेन्स, कह रहे हैं जो सूरज की रोशनी आती है एटमॉस्फेयर में गिरती है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो मौसम में भी नहीं आएंगी। तो एटमॉस्फेयर की वजह से ही जब सूरज की रोशनी गिरती है तो उसी की वजह से क्या होता है, हवाएं चलती हैं और बारिश आता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जिंदा रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एटमॉस्फेयर कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ सीजन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है जो हमारा ब्लैंकेट का काम कर रहा है पृथ्वी का,
कई सारे सीजन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यानी कि वो लाता है, जो बारिश आता है, गर्मी आता है, ठंड आती है, किसकी वजह से आता है? एटमोसफियर की वजह से, ठीक है। एंड डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट कैन अडॉप्ट देमसेल्फ इजीली अब चेंजिंग सीजन, यानी कि जो जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं या जितने भी तरह के पेड़ होते हैं या इंसान भी खुद होते हैं, वो मौसम के आधार पर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। यानी कि जब ठंडी आता है तो ठंड वाले हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स वगैरह होते हैं। यानी जब ठंड आएगा, यानी कि जब दिसंबर आएगा, तो यानी कि अपने आप को क्या करते हैं, रीग्रोथ करते हैं, यानी कि नए नए पत्ते आते हैं, नहीं आते हैं, फिर मई जून में पूरा फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह आ जाते हैं, यानी कि आम उम फरने रहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस सीजन को कंट्रोल करता है और प्लांट वगैरह उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं लिथोस्फीयर, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर यानी कि पत्थरों का एक तरह से ज़मीन, ठीक है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। कह रहा है कि जो लिथोस्फीयर का जो एरिया होता है वो सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर होता है और टोटल एरिया कितना है, 16 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर फैला हुआ है सरफेस पृथ्वी के सरफेस से लेके 1600 किलोमीटर ऊपर तक है, उस 1600 में से 100 किलोमीटर एरिया किसका है, लिथोस्फीयर का। यानी कि 100 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो एरिया किसका है, लिथोस्फीयर का, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब जो अर्थ क्रस्ट है यानी जो अर्थ सर्फेस है ये वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। अ डेंसिटी इंक्रीज विद द डेप्थ रॉक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लोअर डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट, ये कुछ नहीं कह रहा, मतलब यही कह रहा है कि जहाँ हम लोग रहते हैं उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं। उसका एरिया कितना होता है, 100 किलोमीटर, यानी कि सरफेस के एरिया से 100 किलोमीटर ऊपर तक होता है लिथोस्फीयर। वही आपका इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो लिथोस्फीयर है वो कई सारे रॉक से बना हुआ है, यानी कई सारे पत्थरों से बना हुआ है। जैसे कि जो इंटीरियर है इसका, जो पृथ्वी का कोर है, यानी कि जहाँ पर ये अंदर जहाँ पर ये मूव करता है, मतलब पृथ्वी के अंदर बात हो रही है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या मेटेलिक है, यानी कि मेटल्स वगैरह हैं, जैसे कि निकल और आयरन उसके कोर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी क्या करता है, रोटेट करता है और दिन और रात होते हैं, इसी वजह से। तो कह रहा है लिथोस्फीयर है टू लेयर, दो लेयर है लिथोस्फीयर के, पहला है सियाल और दूसरा है सीमा, दोनों ऐसे ऐसे नाम, सियाल और सीमा। क्या सियाल और सीमा क्या है, लिथोस्फीयर के लेयर है। तो आपके तीन चार पॉइंट हो गए, पहला लिथोस्फीयर क्या होता है, ये 100 किलोमीटर एरिया में फैला होता है, यानी कि ऊपर तक, ठीक है। लिथोस्फीयर ऐसा जगह होता है जहाँ पर इंसान वगैरह रहते हैं, ठीक है, जानवर रहते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये क्या है, लिथोस्फीयर कई सारे रॉक्स में बटे हुए हैं, यानी कि मेटेलिक में, जैसे कि निकल और रॉक। चौथा पॉइंट क्या है, लिथोस्फीयर के दो लेयर होते हैं, सियाल और सीमा। अब देखते हैं सियाल क्या है, सियाल इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यानी जहाँ चलते हैं हम लोग वगैरह, नहीं टहलते वगैरह हैं, वही पार्ट कहता है सियाल, यानी कि ऊपर वाला जो अर्थ का पार्ट है उसको सियाल बोलते हैं, ठीक है। ये कंपोज होता है कई सारे रॉक से, जैसे सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इसको सियाल बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि जो पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, सियाल बोलेंगे, ठीक है, सियाल, यस आई ए सियाल। जो सियाल की डेंसिटी होती है ना, कहाँ गया, यहाँ रहे, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो इसकी डेंसिटी होती है वो सीमा से कम होती है, जाहिर सी बात है सीमा अंदर होगा तो उसकी डेंसिटी जाती है। डेंसिटी आप समझ रहे हैं, डेंसिटी यानी कि घनत्व है, यानी कि कौन सा ज़्यादा क्लोज है, यानी कि बहुत ज़्यादा घनत्व है, गहरा है, गहरा नहीं कर सकते, यानी कि घन जिसका जाते हैं, घन यानी कि मिट्टी उसके सबसे पास है। तो सियाल पे उतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं है जितना कि सीमा के पास, क्योंकि सीमा अंदर होती है, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के। तो नेक्स्ट लेयर है सीमा, सीमा क्या है, ये क्रस्ट के अंदर रहती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर रहती है, लेयर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट बिलो सियाल, यानी कि सियाल के नीचे वाला जो पार्ट रहता है, यानी कि अंदर वाला पार्ट, ये पूरा क्या है, सीमा है, ठीक है। ये किससे बना होता है, ये बना होता है रिच सिलिका से और मैग्नीशियम से, जिसे हम सीमा कहते हैं, ठीक है। सीमा कहाँ होता है, सीमा अंदर होती है, माँ मतलब कि मदर, यानी कि अंदर, ठीक है, और सियार मतलब कि ऊपर। सियार जो होते हैं, सियार आपने नाम सुना है, गांव में होते हैं सियार, सियार कहाँ रहते हैं, ऊपर होते हैं ना, जमीन के अंदर तो रहते नहीं है, तो इस तरीके से याद कर लीजिए, सियार मतलब कि अपर वाला क्रस्ट और सीमा मतलब कि नीचे वाला क्रस्ट, ठीक है। इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ ओशियन, यानी कि जो सीमा होते हैं, यानी कि जो सीमा इंटीरियर ऑफ द अर्थ होती है, वह कई सारे ओशियन होते हैं, ठीक है। जो कि हमारा लिथोस्फीयर, आप बताएं लिथोस्फीयर क्यों जरूरी है हमारे लिए। कह रहा है पहला पॉइंट, जो पृथ्वी का ऊपर वाला क्रस्ट है ना, यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस है पृथ्वी का, उसको क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है, और वो लिथोस्फीयर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यानी कि भाई जाहिर बात है, जहाँ हम लोग रहे हैं वही लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे स्पेस में। कह रहा है इसीलिए लिथोस्फीयर काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें वहीं से क्या मिलता है, खाना मिलता है, पानी मतलब वगैरह मिलती है, कोल वगैरह मिलता है, ऑयल मिलता है, या जो भी चीज़ हम बोते हैं, जब वीट राइस हम कहाँ बोलते हैं, लिथोस्फीयर भी तो बोलते हैं, तो सारा चीज़ कहाँ से होता है, लिथोस्फीयर। इसीलिए लिथोस्फीयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा जो लिथोस्फीयर है उसके कई सारे लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि जमीन के कई सारे फॉर्म्स हैं, होता है ना टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, यानी एक नहीं दूसरे फॉर्म, यानी कि पहाड़ भी हैं, ठीक है, बंजर भी है, फर्टाइल लैंड भी है जहाँ खेती होती है, नदियाँ भी हैं, और डेकन यानी कि पठार भी हैं, ठीक है।
कैन बी पुट इन वेरियस यूजेस डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक फैक्टर एंड ह्यूमन नीड्स। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पहाड़ वगैरह हैं, जो नदियाँ हैं, जो ज़मीन है, सारी अलग अलग चीज़ों को यूज़ करती है। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो पानी में रहते हैं, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। मैंने बताया हाइड्रोस्फीयर, पहले ही बताया, फिर भी सुन लीजिए। डिफिनेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो पार्ट पृथ्वी का जो कवर्ड रहता है किससे, वाटर के अलग अलग बॉडीज से। अलग अलग बॉडीज क्या है, जैसे कि नदी, लेक्स, सीज, ओशियन, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है ये पानी। अगर आप कभी भी फ्यूचर में तक पढ़ेंगे, यानी कि जब भी आप जॉब के लिए करेंगे, अप्लाई करेंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें हाइड्रोस्फीयर आएगा। हाइड्रो मतलब होता है ये पानी, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी, तो हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया, वो पार्ट जो पानी से कवर हो, उसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। सिंपल सा तरीका है, नहीं याद आ रहा एग्जाम में लिख दीजिएगा, दोस्त पार्ट ऑफ द अर्थ विच आर कवर्ड बाई वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, ठीक। द ओशियन, लेक, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ आर हाइड्रोस्फीयर, यानी उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। जो चीज़ें पानी से कम ढकी हुई हैं, यानी कि ओशियन और समुद्र क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। और क्या है, पृथ्वी पे कितनी परसेंट पानी है, 71%, और 30% क्या है, आबादी यानी कि जमीन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाइड्रोस्फीयर का, कह रहा पृथ्वी पे 71% पानी है ना, इससे हमारा पृथ्वी जो है यहाँ पर 71% क्या है, पानी है। इसीलिए इस प्लैनेट को, यानी कि हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, यानी ब्लू प्लैनेट यानी कि पानी का प्लैनेट कहा जाता है, या वाटरी प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। ब्लू प्लैनेट मैंने बोला है, ब्लू प्लैनेट। तो यह हो सकता है एमसीक्यू में आया आपके कि ब्लू प्लैनेट किसको कहा गया, तो हमारी पृथ्वी को कहा गया, क्योंकि यहाँ पर 71% क्या है, पानी है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर, कह रहा है सोलर सिस्टम में, मतलब जो भी सोलर सिस्टम है, यहाँ पर 8 ग्रह हैं, उस ग्रह में बस हमारा पृथ्वी है जिसमें पानी है, बाकी और किसी भी ग्रह पे पानी नहीं पाया गया है इतना मात्रा में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, भाई बहुत जरूरी है, पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। पहला पॉइंट वही कह रहा है कि जो हाइड्रोस्फीयर है, जिसमें ओशियन है, लेक है, रिवर है, सारे किस लिए, हमारे लिए जरूरी होती है, मतलब इंपॉर्टेंस फॉर ओन, यानी कि हमारे लिए जरूरी होती है। ऑल दीज वाटर बॉडीज आर क्वाइट नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे जितनी भी जीवन है, जितनी प्रकार के जीवन है, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे बर्ड्स की हो, चाहे इंसानों की हो, वो सब कैसे जिंदा रहते हैं, पानी पीकर तो जिंदा रहते हैं, इसीलिए हाइड्रोस्फीयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है जीवन के लिए। कह रहा पानी के बिना कोई भी लाइफ नहीं है, विदाउट वाटर लाइफ इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ना ही प्लांट्स ना ही एनिमल्स जिंदा रह सकते हैं पानी के बिना, इसलिए पानी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मेन रेन एंड चीफ एजेंट कूलिंग द एटमोसफियर, कह जो हाइड्रोस्फीयर है इसी की वजह से बारिश आता है, उसी की वजह से जो टेम्परेचर आता है वो गिर जाता है, और दिसंबर में काफ़ी ठंडी पड़ती है, इसलिए भी जरूरी है, ठीक है। पानी के अलावा भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक तरह का ब्लैंकेट लेयर होता है जो पृथ्वी को कवर करता है और बचाता है किससे, हमको रेडिएशन से बचाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द रिवर्स, लेक्स, सीज प्रोवाइड अस इनफ फूड इन सेप ऑफ द फिश, कह रहा है जो नदियाँ वगैरह हैं क्या करती हैं, हमको एक तरह से खाना प्रोवाइड करती हैं, मछलियों का खाना, ठीक है। ऑल दिस वाटर बॉडी आल्सो हेल्प इन मैरीन एक्टिविटीज एंड प्रमोट ट्रेड, जितने भी समुद्र हैं या महासागर हैं, वो क्या करती हैं, एक तरह से इंसानों के लिए भी ट्रेड यानी कि बिजनेस के लिए भी जरूरी होता है, और इसी के चक्कर में पानी भी लोग क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, तो पानी को भी हमको बचाना चाहिए। ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं है, आप लोग चीज़ों को जानना चाहिए पहले से ही। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैलेंस को, यानी कि वातावरण को बैलेंस करके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट था बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि जो हमारा स्पेस है, ठीक है, जहाँ पर चिड़िया वगैरह उड़ती हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। देखिए बायोस्फीयर थोड़ा डिफरेंस चेंज है, कह रहा है कि वो सारे स्फीयर यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को मिला दिया जाए, उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। बायो मतलब होता है लाइफ, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। तो लाइफ कहाँ पर है, हाइड्रोस्फीयर में भी है, यानी कि जल में, मतलब पानी के अंदर क्या है, लाइफ ही तो है, मछलियाँ क्या जिंदा ही तो हैं, तो लाइफ हो गया यानी कि हाइड्रोस्फीयर हो गया, और दूसरा क्या है, लिथोस्फीयर यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, और तीसरा क्या है, एटमॉस्फीयर जहाँ पर चिड़िया वगैरह रहती हैं। तो तीनों को मिला दिया जाए उसको कहेंगे बायोस्फीयर, यानी कि लाइफ का स्फीयर एक। तो ये कह रहा है कि लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट इन अ नैरो बेल्ट अ लिटिल बिलो एंड अबव द सर्फेस, कह रहा है कि पानी के अंदर भी लाइफ है और सर्फेस के ऊपर भी लाइफ है। पानी के अंदर यानी कि मछलियाँ हैं, सर्फेस के ऊपर कौन है, हम लोग हैं, इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। तो ये कह रहा है, यहाँ पर डिफिनेशन बनना छोटा सा, दिस नैरो बेल्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोस्फीयर, मतलब कि जहाँ प्लांट भी रह रहे हों, एनिमल्स भी रह रहे हों और मछलियाँ भी रह रही हों, क्या बोलेंगे हम, बायोस्फीयर बोलेंगे। दिस स्फीयर दस इंक्लूड पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, वही कह रहा है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी, हाइड्रोस्फीयर भी और लिथोस्फीयर भी, तीनों मिला के क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ का स्फीयर, यानी कि वह जगह जहाँ पर लाइफ फॉर्म हो रही हो, ठीक है। इन चीज़ों को क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई जब हाइड्रोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर भी इंपॉर्टेंट है, तो बायोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि तीनों उसी में आते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट,
कह रहा जो बायोस्फीयर है ना वो एक यूनिक फीचर है हमारी पृथ्वी का। क्यों फीचर है? फीचर यानी कि विशेषता हमारी पृथ्वी का, किसी भी सोलर मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा मतलब एरिया है, ठीक है, जो आठ ग्रह हैं उन आठों ग्रह पे बायोस्फीयर नहीं है। बायोस्फीयर यानी कि एटमोस्फीयर ही नहीं है, एटमोस्फीयर है तो हाइड्रोस्फीयर नहीं, हाइड्रोस्फीयर है लिथोस्फीयर, यानी कि ये तीनों नहीं पाया जाता किसी भी ग्रह पे। हमारे सोलर सिस्टम में जो आठ ग्रह हैं, ठीक है, आठ प्लैनेट हैं, उस आठों प्लैनेट में ये तीनों नहीं पाया जाता है, ठीक है, और पाया जाता भी हो तो कोई एक ही पाया जाता होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी पृथ्वी है यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये तरह से यूनिक फीचर आ जाता है। द नैरोमेंट ऑफ द बायोस्फीयर मेक इट्स पॉसिबल फॉर मिलियंस ऑफ बींग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जो हमारा बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर के लिए मतलब इसकी वजह से ही कई सारे जीवन क्या होती हैं, पनप पाती हैं और जीवित रह पाती हैं इस ग्रह पे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, किसकी वजह से, लाइफ को ग्रोथ कराने के लिए या लाइफ को जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव एंड वेरी इनसाइड एंड सेफ। दस बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो बायोस्फीयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे वातावरण के लिए। भाई बायोस्फीयर क्या होता है, जिसमें एटमोसफियर आए, लिथोस्फियर आए, हाइड्रोस्फियर आए, उसी को हम बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, व्हाई अर्थ कंसिडर्ड अ यूनिक प्लैनेट, क्यों अर्थ को यूनिक प्लैनेट माना गया है। अब भाई आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ये जो हमें ये पढ़ाया है ना, यही पृथ्वी को हमारे खास बनाती है, यानी कि यूनिक बनाती है। जैसे कि कुछ पॉइंट हैं, पहला पॉइंट आता है कि जो दूरी है सूरज और पृथ्वी के, वो एक ऐसी दूरी है जो और किसी ग्रह का नहीं है, मतलब कि जो हमारा पृथ्वी है ऐसी जगह पर है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेबल जोन। यानी कि जो हमारा सन है और जो हमारा अर्थ है, इसकी दूरी क्या है, एक बहुत ही अच्छी दूरी पे, यानी कि इसको बहुत ही बढ़िया दूरी माना जाता है सूरज से, जिसको बोलते हैं हैबिटेबल जोन। इसीलिए हमारा जो पृथ्वी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या यूनिक हो जाता है दूसरे ग्रहों से। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ हैबिटेबल प्लानट, यानी कि हैबिटेबल प्लानट, यानी कि जहाँ पर हैबिट यानी कि घर बन सकते हैं, यानी कि इंसान जिंदा रह सकते हैं। इट सपोर्ट मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ बाई प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसिटी ऑफ लाइफ। कह रहा है इंसान के साथ जितनी भी जीवन है, लाइफ है, प्लांट है, एनिमल का जो जीवन है, यहाँ पर सारा मुमकिन हो सकता है इस ग्रह पे, बाकी और जो ग्रह हैं उनके जगह पे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ पे इंसान फ्रीली नहीं रह सकते, प्लांट जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो भी जिंदा नहीं रह सकते इस पृथ्वी के अलावा, ठीक है। इस पृथ्वी क्या है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट के जो जीवित प्राणी हैं वो सांस ले पाते हैं, ठीक है। इट एटमोसफियर एक्ट एज अ लास्ट कवर टू प्रोटेक्ट आवर सर्फेस ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट। कह रहा है जो हमारा सर्फेस जो एटमोसफियर है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, कि एक तरह का चादर का काम करता है, जिसकी वजह से जो लाइफ है इस पृथ्वी पे वो क्या करती हैं, फल फूल पाती हैं, और यहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों आती रहती हैं, ठीक है, उस एटमोसफियर की वजह से। ऑन दिस प्लानट दैट मीन्स अर्थ वाटर अकर्स इन वास्ट क्वान्टिटी, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर पानी क्या है, बहुत ही बड़े मात्रा में है, जो कि सारे जीवित चीज़ों को जिंदा रखने के लिए काम आता है। भाई पानी नहीं रहेगा तो जो लोग जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। द अर्थ इज नाइट हॉट लाइक मरकरी, कह रहा है जो हमारी पृथ्वी है वो मरकरी की तरह हॉट नहीं, यानी कि गर्म नहीं। मरकरी जो बहुत उसको नर्क कहा जाता है, मरकरी को इस सोलर सिस्टम का नर्क कहा जाता है, यानी कि हेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मरकरी प्लैनेट इधर बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि वो सूरज के सबसे ज़्यादा पास है। तो वही कह रहा है पृथ्वी हमारे मरकरी की तरह नहीं है, ना ही नेपच्यून की तरह ठंडा है। देखो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, क्योंकि सबसे पास है सूरज के, और सबसे ठंडा कौन सा है, नेपच्यून, क्योंकि ये सबसे दूर है, ठीक है। तो ना ही हमारा पृथ्वी कैसा है, मरकरी की तरह है, ना ही नेपच्यून की तरह है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कह लास्ट पॉइंट कह रहा है जो हमारा पृथ्वी है वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, यानी कि कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, कहीं दोनों है, ठीक है, और कई अलग अलग मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे पीली मिट्टी है, ठीक है, और अलग अलग इन्वायरमेंट भी है, कई तरह के वातावरण है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के लाइफ क्या होता है, फॉर्म होता है, जिसकी वजह से डाइवर्सिफाई रहता है हमारा प्लानट, यानी कि एक ही प्लानट पे करोड़ों तरह के लाइफ क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है। मैंने देखा ना जियोग्राफी में, क्लास सिक्स में, कि 47,000 तरह के पौधे होते हैं और 89,000 तरह के जानवर होते हैं। सोचो इतनी तरह के लाइफ यहाँ पर फॉर्म हुई है पृथ्वी पर, किसकी वजह से, इस अर्थ की वजह से, ठीक है। ये होता हमारा बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि आज का चैप्टर, ठीक है। ये थे कुछ की टर्म्स जो देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। ये था हमारा जियोग्राफी का पहला चैप्टर क्लास 7 का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।